तकलीफ है। तो सारे परिवार वाले जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है सुबह घंटा शाम इकट्ठे बैठ के 3-4 महीने लगातार सुमन करो, मेह करो, या फिर आप मेहनत करते हुए हमें खाना जो बनाते हैं वो सुमन करके 3-4 महीने, तो लाखों की परेशानियां दूर हुई, भगवान ने चाहा आपके भी दूर दूर हो जाएंगे। अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं तो सारी साध संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इन 4 बातों के बिना आप अगर कोई बात करना चाहते हैं, कई बार होते गुरु जी से मिलकर बात लें, आप बात करना चाहते हैं तो माइक वाले आपके पास आ रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, रूहानी रूबरू है। अपना नाम बताना है, कहां से आप आए हैं, ये 2 बातें पहले बताओ, और छोटी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, थोड़े शब्दों में जी। तो शुरू हो जाएं पहले इधर इस साइड से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। पिताजी मैं प्रकाश इंसा हरदा जिले जी। पिताजी आज की 2005 से मेरे पे बहुत अपार रहमते हैं जी। पिताजी मेरे परिवार में मेरी माताजी बहुत बीमार थी, वो ठीक हो गई, मेरी जी बहन की शादी हो गई, नहीं होती थी मेरी भी शादी हो गई। पिताजी घर परिवार में सब अच्छे रहे, खुशहाल रहे जी। बेटा सुमरण करते रहिए, मालिक रहमत करते हैं। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं दलीप सिंह कुलखेड़ा लाडवे से आया हूँ। मेरा सेलर और चक्की का काम है। एक लड़का सेलर के पट्टे में आ गया था, उसकी दोनों टांगा टूट गई, ये 1.5 साल का हो गया है। अब उसकी पीआई में जाने से एक सज्जी टांग गोड्डे के ऊपर से कट गई है और उसकी टांग दिल्ली से लगवा दी है। एक वो ठीक है, वो अपने आप से चलता है। मैं दिन रात आपका स्मरण करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और आप मेरे ऊपर मेहर करें, वो बच्चा टिठी तंदुरुस्त चलता है। कहीं सुमरण करें बेटा, और घर में कहाँ सुमरण करके बनाते रहिए। पिताजी मेरा नाम सुशील पटेल है, गोसलपुर से आया हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ या फॉर्म भरता हूँ या नौकरी के लिए कुछ भी, तो मेरा काम रुक जाता है, होता नहीं है, बहुत परेशानी जाती है। बेटा आप ज्यादा काम नहीं, अच्छे काम का एक तजुर्बा ले लें और सुमण करके करें, अगर खुद का करना, बाकी नौकरी कहीं भी मिलती है सुमण करके दी नम्रता से करें, भगवान ने चाहा जरूर ठीक होगा। सतगुरु तेरे ही आसरा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बंधन है। मेरा नाम रामनाथ है, जिला होशंगाबाद और तहसील डोलरिया ग्राम नानपा का रहने वाला हूँ मैं। सर मैं गेहूँ गुरुजी गेहूँ बेचने गया तो 1200 के भाव बोलकर व्यापारी ने 1100 के भाव से गेहूँ लिए, तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मुझे 30 रुपये व्यापारी ने ज्यादा दे दिए, तो मैं घर ले गया, वापस नहीं दिया। जब इसे मैं बीमार हूँ गुरु जी, माफी चाहता हूँ जी। ना लगा दे बेटा सुमन करना। पिताजी धन धन सब तेरे ही आसरा। मैं लक्ष्मण पाताखेड़ा बैतूल जिला मध्य प्रदेश से हूँ। पिताजी आप जी से एक सवाल करना है और आप जी का आशीर्वाद भी मैं चाहता हूँ। पिताजी आप जी की कृपा से मैं अभी बहुत अच्छा हूँ। मैंने पिछले महीने सिरसा जाकर के नशा छोड़ा है और मैं आप जी की कृपा से आज तक उस नशे की ओर नहीं गया, और पिताजी आप जी कृपा चाहिए कि उस नशे की ओर ना जाऊं। पिताजी मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि मैं जब भी सिमरन करता हूं तो मेरे चलते फिरते ही सिमरन हो पाता है, और मैं जब सिमरन करता हूं तो जैसे ही मैं शून्य अवस्था में जाने की स्थिति में आता हूं मेरा सिमरन भी जाता है। आप लगातार करिए जरूर ठीक होगा बेटा, और हजम रखिए। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं जितेंद्र इंसान सिंधी कैंप से। पिताजी क्या रूहानी जाम पीने के बाद जो प्रेमी बहन या भाई लॉकेट पहने हुए और नशे करते हैं, पिताजी क्या हम उनसे लॉकेट ले सकते हैं वापिस? लॉकेट तो वापिस ना लें, और हो सके तो उन्हें इन चीजों से छुड़ाने के लिए आप सत्संग में लेके आए, मालिक और खुशी देगा। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मेरा नाम इंद्रप्रीत मोगा तो जी। पिताजी अभी अज सुखदा समाज वाल लेके आए, 2 उधर बैठे पिताजी, 9 बच्चे नाल है साढ़े नाल, भाई जोरा जी गैसी गड्डी लेके पिताजी क्या मेरे घर ना अभी वो लेके आए पिताजी, 30 हो रहा है उत्थी अस्सी सत्संग वाल लेके आना उन्होंने पिताजी जी। बेटा अच्छी गल है बेटा, क्या मेरे घर पिताजी जी। पिताजी एक गल होर करनी सी, पिताजी मेरी माता जी बीमार है, दयाल मेहर करो पिताजी, मैं सेवा करा वा, मैनू फिक्र लगा रहा उन्होंने जी। जी बेटा मालिक अगे तरांगे, मालिक जरूर रहमत करेंगे, जरूर रहमत करेंगे। ਪਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਹਿੰਸਾ ਇਡਾਰਸੀ ਸੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੁਬਹਾ ਸਾਢੇ 5 ਵਜੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇ ਜੋ ਤੱਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਈ ਸੀਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਅਬ ਆਪ ਲੋਗ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸਕੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਚਲਵਾਓ, ਅਭੀ ਸੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
जी दानदान सतगुरु सरा जी, मेरा नाम सतपाल प्रीत सागर से जी। पिताजी आपके दर्शन होते थे रात को, झगड़ा हो गया जी ब्रह्मचारी साथ, पिताजी से अर्ज कर बैठा पिताजी दर्शन मध्य, पिताजी उस दिन से दर्शन बंद। जगत ब्रह्मचारी जी हमारे जी का झगड़ा था है? वो तो भगवान दर्शन देने वाले हम अक्सर है भाई, पर लगा दो बेटा जी, आदमी आदमी फकीर से प्यार है तो आदमी के कहने से थोड़ी ना हटा जाता है जी। सुमन के नाथ पिताजी दान दंत सगुत्री, पिताजी प्रेम तंसा मंडीदीप से हूँ जी। मैं बिल्डिंग का करता हूँ, एक बार बिल्डिंग की सेवा कर रहा था, मैं काम कर रहा था एक जगह फैक्ट्री में, काम करते करते इनके जो चिंगारी थी तो वहां पास रखे हुए शक्कर के बोरे में ले जी, इतनी भीषण लग गई कि मैं बहुत मुश्किल था जी। मैं और मेरा बेटा पिताजी नारा बोलते जाते और आग बजाया करते थे जी। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा का लगाते लगाते वैगन आग ऑटोमेटिक ऐसी गई कि मुझे पता ही नहीं चला थी, और वहां के जितने भी स्टाफ उनको भी पता नहीं चला जी। उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि ये आग कैसे लग। पिताजी ऐसी दया दृष्टि बख्शना मालिक जी। बेटा भगवान मालिक बख्शते हैं बेटा, में बहुत बड़ी ताकत है, सही टाइम जाए तो महा बीमा से बचा लेता है, महा एक्सीडेंट से बचा लेता है जी। बेटा धन धन सतगुरु तेरे यासरा। पिताजी मैं महेंद्र इंसान पटना से, पिताजी दार चार में मेरे गांव में नाम चर्चा हुई थी, मैं भंगीदास था। 2007 तक नाम चर्चा रह चली और काफी संगत थी, उसके बाद नाम चर्चा बंद हो गई, संगत आना कम हो गया। पिताजी मैंने भी नाम करना बंद कर दी, इसी साल 2 महीने पहले मैंने नारा के नाम चर्चा शुरू की है। माफी चाहता हूँ पिताजी, ऐसी गलती कभी होगी जी। नारा लगा दें आगे से बेटा, मालिक खुशियां बख्शेंगे, जितने जीव ज्यादा आएंगे आपको और ज्यादा खुशी। धन सतगुरु। पिताजी मैं शंकर जी इंसान भंगीदास किसान नगर से जी, महाराष्ट्र से। मैं पिताजी 70 नए और पुराने जीव लेके आए। शाबाश, भगवान खुशियां दे बेटा, मालिक दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी आप जी का बेटा गुरदेव इंसान सरी दी सिकने पिताजी, पिताजी आप जी दी सारे परिवार से बहुत ज्यादा दया रहमत है पिताजी, आप जी इन्नी दया रहमत है पिताजी, आपका वर्णन लिख बोल के नहीं दस सकते प्यारे प्यारे पिताजी। पिताजी फरवरी महीने की बात है, मैं यूएसए में ट्रक लेकर कनेडा में आ रहा था पिताजी। पिताजी हमारे बेटे जपरीत इंसान ने मैनु फोन किया कि डैडी जब अब नींद आज तक सौ जाना, आपकी मम्मी नू गल कह के पता फोन, कहना मम्मी डैडी नू कह दे गए जो नींद आ डैडी नू कह दे सौ जाना। मैं कहा पिता जी का कोई बहुत बड़ा कोई राज अगे तक इस तरह कहा नहीं बेटे ने। पिता जी आप जी की दया मेहर नाल मैं सिवन कर लग गया पिता जी। पिता जी सिवन करदा करदा ट्रक ले आ रहा जी पिता जी। पिता जी मैनू इन्नी ज्यादा नींद आई, इन्नी ज्यादा नींद आई पिता जी दस नहीं सकता मेरे प्यारे मुरशद। पिता जी मेरी अद्धे घंटे की ड्राइव सी, पिता जी मैं जो ट्रक स्टॉप के नेड़े लागे आया तो उसे ट्रक स्टॉप सहन से पिता जी एग्जिट का, पिता जी एग्जिट के सहन कहीं मैं देखा चलो हम ट्रक कड़ लें नींद ला लेंगे। पिता जी उस स्टॉप सहन से पिता जी आप जी के दर्शन होए मेरे प्यारे प्यारे मुरशद। पिता जी आप जी का देन कदे भी ना सकते मेरे प्यारे प्यारे पिता जी। पिता जी जे मैं आप जी का सिमरन ना करता पता नहीं मेरा ट्रक उत्थे किस तरह पा जाने वाले होर बिना नाम वाले जीवों को पता नहीं किन्ना नुकसान होना जी पिता जी। पिता जी आप जी के चरणों में यही बिनती करते हैं मेरे प्यारे सतगुर, सारे परिवार की प्रीत ओर तक आपके चरणों च निवे मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु जी। जी बेटा जी बेटा, मालिक खुशियां बख्शे और नवावे बेटा, सेवा सिमरन च मन गया आशीर्वाद। एक एक बात करा दें बेटा। हेलो धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मेरा नाम माधव इंगड़े है और मैं बैतूल बाजार से आया हूँ, ग्राम बिरुल बाजार से आया, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक बात सत्संगत हो जाए, आपका मतलब वहाँ पे सत्संग हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा। जी बेटा जी बेटा, आप यहाँ के जिम्मेवारों को बाद में मिल के बताना, आगे यहाँ सज्जन खड़े हैं इनसे मिल लीजिए बाद में। धन धन सतगुरु तेरा ये आसरा। यादवेंद्र इंसा ब्लॉक भंगीदास महेंद्रगढ़ से आया हूँ पिताजी में। हाँ बेटा। पिताजी आपकी दया मेहर से जोड़ों के जो दांत थे उसमें आपने वचन किए थे, मेरे पैरों में खून जो है वो जमना शुरू हो गया था, दरबार से भी जो बाहर डॉक्टर आते हैं उनसे ऑपरेशन करवाया था, लेकिन उसके बाद में भी पैर जो है उसी प्रकार से दिक्कत करते रहे, लेकिन सैडों की दांत पर आपने वचन किए पिताजी, उसके बाद में
कोई दवाई नहीं ले रहा हूं मैं और बिल्कुल ठीक हूं आपकी दया मेरे। तो पिताजी इसी प्रकार आप पूरे परिवार दया दृष्टि बनाए। जी बेटा, जब दर्द यकीन होता है इंसान सुमरण करते बचनों पे रहता है तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ते, भयानक भयानक रोग पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाया करते हैं। पिताजी धन धन गुरु तेरे ही आसरा जी। पिताजी हम पुणे की सात संगत से मतलब सब आए हैं जी और दो नए जीवों को भी नाम के लिए लेके आए हैं जी, जी आपसे अर्ज करते हैं जी और आप पूरी पुणे की सात संगत की तरफ से आपको नारा लगाते हैं जी, धन धन आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। और बात बेटा। और पिताजी एक क्रिसमस सुनाना है जी थोड़े शब्दों में। हाँ जी बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं सुमेरी इंसान पुणे से बोल रहा हूँ। पिताजी आपकी दृष्टि का प्रसाद एक महाराष्ट्र के लोग आदमी को देता, उसको शुगर का बीमारी था तो उसने 15 दिन नारे का सिमरण किया, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पहले डॉक्टर से चेक किया था कि उसका शुगर है तो बाद में 15 दिन बाद में जाके फिर चेक किया तो उसका शुगर बिल्कुल ही भी नहीं था। वो भी बोला मैं 50 आदमियों को नाम, पिताजी महाराष्ट्र में आएंगे तो मैं मेरी दो गाड़ियां हैं वो सेवा में लगाऊंगा और पिताजी से पूरा परिवार और 50 या 100 आदमियों को नाम दिलाऊंगा जी, उसने ऐसे अर्ज किए थे। जी बेटा हम तो अच्छी बात है, नारे का जाप करते रहे, मालिक की रहमत करते हैं बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहनों की तरफ भाई बैठ जाए, भाई अब औरत नहीं, बहनों की तरफ कोई बात करना चाहता है तो आपको बस बीमारों की बात नहीं करवानी, बीमार ने बात नहीं करनी, आशीर्वाद के लिए नहीं, इस साइड में जो भी कोई बात करना चाहता है तो आप अपनी जगह पे खड़े रहें और जल्दी से आपके पास आ जाएंगे, बात करवाएंगे। पिताजी धन धन शुरू तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा नाम गिरिजा इंसा, शिवपुर की रहने वाली हूँ और पिताजी आपने मेरे पे अपार रहमत की है। पिताजी मेरे को मतलब दो बार मेरा कार एक्सीडेंट होने वाला था, पिताजी ने आपने मेरे पे दया करके मेरे को बचाया। पिताजी दो बार एक्सीडेंट, एक बार भोपाल में पिताजी मैं गाड़ी से जा रही थी पिताजी भाई के साथ तो पिताजी ऐसे पीछे से टैक्सी वाले ने इतना बुरा मारा कि वहाँ पे न्यू मार्केट में कोई बच नहीं सकता, सब भीड़ हुई और बोलने लगे कि यहाँ पे तो कोई नहीं इंसान बच नहीं सकता, आप कैसे बच गए। मैंने बोला मेरे गुरुजी ने बचाया मुझे, तो मेरे भाई बोला मैंने आप मेरे गुरुजी ने बचाया नहीं तो यहाँ पे बच नहीं सकते। जी बेटा मालिक रह करने वाले लगातार सुमन करते रहो बेटा, भगवान सब कुछ करते हैं, हम तो सेवादार हैं, काकसार हैं बेटा। आशीष धन धन सतगुरु। मैं पार्वती इंसा हूँ, सिंधी गंज से आई हूँ, मेरे 5 लड़कियाँ, लड़का नहीं है पिताजी। बेटा सुमरण करें, लड़कियां भी लड़कों समान ही, बाकी आपका ख्याल है, सुमरण करें। आशीर्वाद धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं जुगनी इंसा सिंधी गंज से। पिताजी आपने हर भाषा में हर मतलब इसमें शब्द लगाया है, पिताजी आपने कभी हमारी भाषा में ना ही कभी बाकी है और ना ही हम पे शब्द लगाया है, पिताजी ऐसा करके बताइए प्लीज। बेटा ऐसा है, इस भाषा में कभी ना तो हम रहे ना ही कभी बात हुई, लेकिन वैसे आपकी बात आप लोग हिंदी बोल लेते हैं, हमारी बात समझ लेते हैं बेटा, कभी देखेंगे बेटा। पिताजी धारण सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता मैं आप जी की बेटी बबीता इंसा पेवाग से। पिताजी आप ठीक हो जी? पिताजी मैं दो कृष्णे सुनाना चाहती हूँ, पिताजी हिम्मत बख्शना। एक सुना दी बेटा। ठीक है पिताजी। पिताजी मेरे पापा बहुत ज्यादा शराब पीते थे और स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे जी, हम घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, तो पिताजी मैंने अपॉइंटमेंट मिल के आप जी से वचन करवाए, तो आपने वचन किए कि बेटा सारा परिवार बैठ के सिमरन करना, तो पिताजी उसके बाद मम्मी और मासी ने सिमरन किया पिताजी थोड़ा बहुत। पिताजी उसके बाद हमने होली की 7 मार्च की रूपलेट की परमाठ की पर्ची ली। पिताजी जैसे ही पर्ची ली उसे अगले दिन पता लगा, पापा ने खुद ही बोला कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा कभी भी, और पिताजी उन्होंने कहा कि मैं सेवा जाऊंगा। जी मालिक की रहमत हुई बेटा, और रकम वगैरह समग्र की बनाई है, मालिक की रहमत ने वाले हैं। दानन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं आप जी की बेटी प्रीति इंसा और श्री आमंदे फ्रॉम पुणे। प्रीति पुणे से। प्रीति आप जी कैसे हो? प्रीति ठीक है। प्रीति इस बार हम आप जी को लेने आए हैं प्रीति, चलो पुणे। बेटा कभी समय के अनुसार देखेंगे, जब भी पुणे घर पे जरूर आना है भाई, ये तो मौका बताया बेटा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जी यार बात तेरा सा। पिताजी मैं संगीता बोल रही हूँ सिंधी के से। पिताजी एक छोटा भजन हो जाए। पिताजी मैं संगीता बोल रही हूँ सिंधी के से। पिताजी एक छोटा सा भजन हो जाए। जी बताएं बेटा बताएं। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।
पिताजी मैं अजीत कौर मोगा से बोल रही हूँ। तुहाडी दया मेर नाल मारे दोनों बेटे फौरन चले गए और दोनों ही भगत जो का प्रसाद लेके चले गए। पिताजी इसे तरह ही हमारे परिवार से दया मेर जी आशीर्वाद। बेटा उन्हें कौन सुमन करे बचनों दे रहे हैं बेटा। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी रीना इंसा अब्दुल्लागंज से। पिताजी आपको परल मीत की जन्म की करोड़ करोड़ बधाई हो जी। जी आप बेटा। पिताजी बोलने की शक्ति बताना। जी बोलिए। पिताजी आपके वचन है कि जिसको जड़ विश्वास होता है उसके साथ पल पल करिश्मे होते हैं, तो पिताजी आपकी दया मेहर से इतने करिश्मे हुए हैं, इतनी रहमतें हैं कि बोलने भी बैठे सुनाने तो दिन रात पूरे ना हो, दया मेहर है पिताजी। पिताजी मुझे कुछ साल पहले बहुत कंफ्यूजन रहता था कि करिश्मे में पिताजी मतलब रात आपने सपने में मुझे काली ड्रेस में दर्शन दिए थे। मुझे किसने बताया कि काली ड्रेस में दर्शन या फिर मैं काल दर्शन देते हैं रात, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन था मुझे। और 2010 में जनवरी में पिताजी आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया और आपने काली ड्रेस में ही जनवरी में मीटिंग 2010 में दर्शन दिए और पिताजी इतनी खुशी मिली, इतनी खुशियां मिली कि पिताजी बता नहीं सकते कि आमन पिताजी आपने ही दर्शन दिए। पिताजी हमेशा आप सपनों में दर्शन देते रहते हो, हर डिमांड पूरी करते रहते हो। पिताजी थोड़ा सिमरन में कमी है पिताजी, आपकी दया मेरे से सेवा चल रही है पिताजी सिमरन। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद मालिक की रहमत करते हैं बेटा और वही दर्शन देने वाले हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं स्वाति सा टोहाना से पिता क्वेश्चन पूछना है। पूछो। पिताजी अगर हम किसी लड़की को नाम दिलवाते हैं पर वो अपने घर नहीं बताती, उसने जाम भी आवा है, वो उस लॉकेट का क्या करे पिताजी? अब लॉकेट को अंदर से पहन ले जाए, अगर में कोई परेशानी है और सुन करके प्रार्थना करे सारे परिवार को हो सके तो नाम दिलाए। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिंकी इंसा सिंधी कैंप से। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे आसरा। मैं बिंदिया इंसा सिंधी कैंप से। पिताजी हमारी शादी हो रही है, जिस परिवार में हमारी शादी हो रही है वो प्रेमी परिवार नहीं है, अपना दया मेहर करना। बेटा अब सुमरण करना, नाम जप के बनाना, भगवान जरूर सहेंगे बेटा। पिताजी दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं मीनू इंसा दिल्ली से बोल रही हूँ। पिताजी आपकी रहमत से मुझे जयपुर में दर्शन हुए, तो पिताजी जब जयपुर में दर्शन हुए तो पिताजी आपने बहुत खुशियां दी थी। फिर पिताजी से आप गेम में गए थे, गेम्स खेल रहे थे, तो पिताजी बहुत मन था कि मैं गेम्स में जाऊं, तो नहीं जा पाता जी। फिर मैं तड़प के आपसे कहती रही, आप तो बात ही नहीं करते, गेम्स में नहीं जाए। तो फिर पिताजी फिर मुझे कोटा में दर्शन हुए आपके, तो पिता कोटा में जब दर्शन हुए तो आप जी मुझसे नाराज थे पिताजी। पिताजी परसों जब यहाँ पे रूप रो रहा था तो मैं खड़ी हुई बात करने लिए, मेरी बात नहीं हुई। फिर मैं रात को रोके सो गई कि अब तो मुझसे बात नहीं करते, आप मुझसे नाराज हो। पिताजी फिर 5-5 बजे के पास में आपके दर्शन हुए, तो पिताजी जैसे आप मतलब कि कहीं लंगर घर साइड जा रहे थे तो आपने दर्शन दिए, तो फिर पिताजी मैं आप ही आ गई थी, मैंने कहा पिताजी, तो पिताजी आपके हाथ में बेटा आराम करना। पिताजी फिर कल सुबह सेवा के बाद दोपहर में मैं आराम कर रही थी, तो पिताजी जब आपके दर्शन हुए तो पिताजी मैं मतलब कि आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेने वाले बैठ खड़े हुए तो उनसे मतलब कि आपका हार्ट बीट हो गया, तो मैं दूर बैठ के बाकी तरफ बस ये देखती रही कि पिताजी मुझे बात करनी है। पिताजी मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नहीं, क्यों नाराज हो? फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर? आप सुन कर अभी तो कर रहे हैं बात बेटा, और कैसे होती है बात? हाँ जी पिताजी। और पिताजी मैं आपका प्रोग्राम भी देखना चाहती हूँ। वो बात नहीं बेटा, जैसे सेवादार जाते हैं तो जो बेटा बताते हैं। सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हिम्मत देनी बोलने दी। पिताजी सारे दरख्तों लंगर का झोला लेके आए, पिताजी कुछ तो अभी खा लिया, कुछ उसे ट्रे भुले आए, पिताजी माफी दे दो। इना लेके आए उस दरबार च लंगर लेके आए, कोई नहीं नारा ला दे कोई गल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरे पाते हैं, मेरी दूसरी बात रख ली। पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे 3 बच्चे हैं, बताओ अब मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हैं बेटा, आप यहाँ पे जिम्मेवार हैं उनको आप मिल लें आके, कानून में भी प्रभावधान है और आपका साथ देंगे, जिम्मेवार आप मिल लीजिए, बाद में बहे हैं उनको मिल लें। सतगुरु पिताजी, मैं मेरा नाम सुनीता है, मैं बिरुल बाजार से आई हूँ, मुझे एक बार आपका सत्संग चाहिए। आप बेटा यहाँ लिखना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं सविता इन सब अब्दुल्लगन से। हमारे एक बेटे हैं 12 साल के, उनके कान में अपने ही हाथ से सींग डाल ली थी उन्हें माचिस की पूरी कम से कम 1 साल तक वो कान रही पिताजी, लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं है, लेकिन खून निकला, खूब कान फूल गया। और इसके बाद फिर मैंने भोपाल भेजा आप जी से अर्ज लगाकर, तो वहाँ पे
डॉक्टर ने चेकअप करके निकाली पिताजी, आज वो अच्छे हैं और आपकी कृपा से यहाँ सेवा करने आते हैं, हम पर ऐसी रहमत बख्शना। जी बेटा, मालिक रहमत करने वाले हैं, लेकिन रक्षा करते हैं बेटा। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं सुखदुआ परिवार से बोल रही समाज से। पिताजी जी, आपका नाम सुनते ही मेरा मचल गया, आपसे मिलने की बहुत उम्मीद। जी बेटा, हमारे परिवार पे दया दृष्टि बनी रहे। क्या नाम बेटा? हमारा लक्ष्मीबाई शर्मा। लक्ष्मीबाई शर्मा और शिल्पा तिवारी आपके साथ में है। जी बेटा, बहुत स्वागत है आपका बेटा। आप कर है हमारे बच्चे हो आप, और कोई भी बात हो हमें बताना, ये सोचो आपका कोई नहीं, हम आपके हैं। जी पूरा आशीर्वाद बेटा। जी बेटा पूरा आशीर्वाद, भगवान से प्रार्थना है, भगवान आपको ताकत दे और खुशी हमसे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हाँ, एक एक बात कराएं बेटा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं अनुराधा इंसाफ बुधनी। पिताजी मेरी बेटी आप ही के स्कूल में पढ़ती है, उसने 5 साल की उम्र में नामदान लिया था, जाम भी पिया हुआ है। पिताजी उसे नाम शब्द याद नहीं है, कुछ ऐसा कीजिए कि उसे नाम शब्द याद हो जाए। और पिताजी आपकी दया मेहर चाहिए। यहाँ बेटा ड्यूटी है सेवादारों की, उनसे याद करवा दीजिए। पिताजी दान दान गुरु तेरा यात्रा। पिताजी आपके समय कोटि कोटि प्रणाम। पिताजी मेरे पेट में ट्यूमर था, आपने अनुआ था। पिताजी ब्लड नहीं मिल रहा, पिताजी मोल भी नहीं मिल रहा था। पिताजी आपकी दया में मैंने आपका नारा लगाया पिताजी, तो आपकी दया मेहर से मेरे बेटा के, मेरे बेटा का और मेरे पता, मेरा एक ही ग्रुप निकला पिताजी, और खून मिल गया पिताजी, और मेरा ऑपरेशन नॉर्मल हो गया पिताजी। और मेरे पति ड्यूटी से आ रहे थे पिताजी, ट्रक में ड्राइवर नहीं था पिताजी, ट्रक में ड्राइवर नहीं था, ट्रक चल रहा था पिताजी, आपका नारा लगाया, ट्रक में आप एक हाथ पहले रुक गया पिताजी। जी बेटा, मालिक की मत हुई बेटा, मालिक रक्षा करने वाले हैं। हम मंगलवार से आए शिल्पा तिवारी जी। जी जी पिताजी, आपको सर प्रणाम करते हैं। आपको विश्वास बेटा, और हमारा घुटना और छाले मुंह में खूब हो रहा है, क्या बात है। अभी प्रसाद भेजते हैं बेटा, और यहाँ अपने बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अभी देखेंगे, आप फिक्र ना करें। और बच्चे जो गोद ले रखी हमने, इनको सद्बुद्धि दो आप। जरूर बेटा, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद मालिक के सद्बुद्धि बख्शे। प्रसाद भेज भाई, प्रसाद ये पढ़ा इधर, अरे ये पढ़ा, प्रसाद दे के आए। और हमारे चेलों पर अपना सीधा हाथ के रहिए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर मालिक से दुआ करते रहेंगे, फिक्र ना कीजिए, जरूर जरूर। तो बहनों बैठ जाओ, अब और बात नहीं होगी, बैठ जाओ। विदेशों से बात करने वाले हैं, न्यू सिडनी ऑस्ट्रिया से बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे बोलो बेटा, आप हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बात करो। दान दान सतगुरु तेरा आसरा। जी प्यारे पिताजी, मैं आप जी की बेटी वीरपाल कौर नॉइसलम से ऑस्ट्रिया से बोल रही हूँ पिताजी करने की। हाँ बोलो बेटा। प्यारे पिताजी, सबसे पहले तो आप जी को 29 अप्रैल डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस रहने जाने की बड़े काम सारी सात संगत का जन्मदिन कोटन कोटन मुबारक पिताजी, दान दान सतगुरु। जी आपको भी मुबारक बेटा। और पिताजी, आप जी की पोती और भाई जी की बेटी नन्ही परी का जन्म बहुत बहुत मुबारक पिताजी। जी आपको भी मुबारक। प्यारे पिताजी, आप जी ठीक हो जी? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए जी। पिताजी आप जी की बहुत बहुत अपार रहमत है। प्यारे पिताजी, चम्प पार तो हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो आप जी ने हमारी लाज रखा हुआ, आप जी को और सत्संग को बताना चाहती हूँ। जी बोलिए बेटा। प्यारे पिताजी, हमारा बड़ा बेटा स्कूल के साथ स्काई स्पोर्ट हफ्ते में गया हुआ था, 3000 ऊंचे बर्फों की पहाड़ी थी, लेकिन पिताजी वो अचानक गिर गया और 4 बार लौटने का गया। जब एम्बुलेंस उसको उठाने आई तो वो बेहोश पड़ा था, उठ नहीं सका, और लोग डर गए और उन्होंने हेलीकॉप्टर को बुलाया और हॉस्पिटल में भेजा। जब हॉस्पिटल में आया तो डॉक्टर ने सोचा कि इसके सिर में जरूर चोट आई होगी, और लेकिन पिताजी आप जी की रहमत से जब थेरेपी हुई तो सब कुछ ठीक था, सिर्फ टन में गर्दन में ही मोच आई हुई थी। आप जी ने हम पापियों की नानियों की लाज रखी पिताजी, आप जी का कोटन कोटन धन्यवाद मालिक मेरे। जी बेटा, मालिक ने जान बचाई, राखो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चेप जग बेरी होए। जी बेटा। प्यारे मालिक, आप जी को मैं
बताना चाहती हूँ कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं क्या करने जाते हैं सच्चा सौदा में, क्या करते हैं, लेकिन लोगों को क्या मालूम से हमारा कितना स्वार्थ छुपा है सच्चा सौदा में आने के लिए, हम क्यों आते हैं, कितनी हमारी आप जी रक्षा करते हो लोग नहीं जान सकते मालिक जी बेटा। और प्यारे पिताजी जो शोर अकबर शेर का आप जी ने कमाल किया, आपकी जो आवाज इतने बचपन से हम सुनते आ रहे थे, हमारे नाना जी प्रेमी बूटा सिंह जुम्बे वाले वो कहते थे तीसरी वाडी शेर का रूप आएगी, लेकिन आप जी ने वो दिखा दिया पिताजी इस टाइम, क्या हम बयान नहीं कर सकते, हमारे पास तरीफों के लफ्ज नहीं जो आपकी तरीफ कर सके मालिक जी। बेटा मालिक ने ही रहमत की है बेटा। प्यारे पिता जी हलवा बनाया प्रसाद ना दीजिए, और जो अथाय सेवा संबंध में मान लगे हमारे मालिक जी रहमत करना पिताजी जी। बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गए, सब लोग लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी आप जी ने जो हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक जी। बेटा जी बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी तो देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 483 ग्रुप टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के मार्ग से और 1472 लाइव कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही सुने हमें नजर आ रही, कनाडा से, इटली से, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, यूएई, फिलीपींस, चाइना, पुर्तगाल, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कतर, कुवैत, मस्कट, ओमान और भारत में हरियाणा, पंजाब, असम, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आसाम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर, कर्नाटक, सांगपुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, सब जगह हमें सब लोग नजर आ रहे हैं बैठे हुए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और यूथ वीरांगनों का प्रशासन 51 बहने खड़े हो जाए, जिला सत्र पर यूथ वीरांगनों का प्रशिक्षण 2 बहने नीतू और राणो, नीतू और राणो कौन है, हाथ खड़ा करें बेटा, नीतू और राणो हाथ खड़ा करें अगर आए हैं तो जी, तो आप जिम्मेवारी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इंसानियत की सेवा महाभियान 120 खड़े रहने दो भाई, आप क्यों क्यों क्यों, अभी मिलते हैं, आगे बुला रहे हैं आपको, इधर मिला रहे हैं बेटा, आ जाए आगे। तो इंसानियत की सेवा महाभियान के फॉर्म भरने वाले 120 बहन भाई और पूज्य पिताजी, आप बेटा सेवा सुन में मन लगे आपका, घरों में खुशियां हैं, धन्य माँ बाप वो कुल होती है जो मानवता की सेवा करते हैं, सो मालिक दया में रहमत से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद, यहीं रुक जाएं, यहीं रुक जाएं, यहीं लेंगे भाई। तो पूज्य पिताजी आप जी बैठ जाएं बेटा, तंदुरुस्ती की कामना करते हुए परलमीत के जन्म की खुशी में टोहाना के लंगर की बहन दिंदु के मध्य बैंक में 5055 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं जी। तो बेटा सेवा सुनने मालक के घरों में खुशियां, मालक से प्यार बढ़े, सुजोर से नार लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद जी। बेट नशा छोड़ने को आया जैसे रोन समय भांग दूरा फीम शराब, कैसा भी मेडिकल नशा आप करते हैं, 7 दिन के लिए यहां रुक जाओ, प्यार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना खाना फ्री, जरूरत पड़े तो डॉक्टर इलाज भी फ्री, असल जरूरत नहीं पड़ती, और रोज के 80-80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन लगाने वाले छोड़ के 15-15 ग्राम समय हेरोइन लेने वाले छोड़ के, तो आप 7 दिन यहां सेवा कीजिए, और जब भी नशा छोड़ के जाएं यार दो जो चिड़ी उनका संग सोबत नहीं करना जी, प्रसाद ले लेना है, बाका संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा है पढ़ाई, इसके लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं बेटे, ये सामान ऊपर कर लें, सारी संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लें। तो जो भी सत्संग पधारी है बहुत बहुत स्वागत जी, आया नो शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। अब थोड़ा समय सज लेना है और प्यारी सत्संग जी, जैसा आपको कल का मालूम होगा कि कल सफाई का महाभियान है जी, कल का है ना, क्या टाइम है, जिम्मेवार तो है ही नहीं यहाँ, जिसको मालूम हो तो कल होशंगाबाद में इस सफाई का महाभियान है, तो सुबह 8 बजे का टाइम है, सात संगत जो भी सेवा करना चाहे जिसकी हो, क्योंकि खुशियां तो कई गुणाती ही मिलती हैं, हाथों हाथ का मर जाते हैं, संगत आ भी रही है तो आप सबको आशीर्वाद, बस 1-2 मिनट बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए बैठना सभी ने, किसी ने उठना नहीं है। सभी ने बैठना है। बैठ जाएं सभी। गुप्ता जी ग्राउंड है यहाँ का। गुप्ता जी